दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताना चाहता हूं। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 40 सीटों पे सिमट जाएगी। ये बड़ा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने बताया है। ये दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने से किन पूर्व प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मौजूदा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं साथ ही साथ वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अग्रवाल यानी कि अजय अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के टिकट पर रायबरेली में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मुकाबले में थे, जहां उन्हें 1,73,000 से अधिक वोट मिलने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है दोस्तों कि इस बार अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं 2019 के, तो बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 40 सीटें मिलेंगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पे सिमट सकती है। ये उन्होंने बड़ी खबर बताई। मौजूदा चुनाव में भाजपा ने श्री अग्रवाल के स्थान पर कांग्रेस को छोड़कर आए दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। उसके बदले में अग्रवाल ने कहा कि रायबरेली में सर्वस्वीकार्यता के बावजूद मेरा टिकट काटकर जो अपमान हुआ है, उसी के चलते मैं बता सकता हूं कि 400 सीटें जीतने का भाजपा का दावा यानी कि जो फॉर्मूला है वो निर्मूल है। यदि निष्पक्ष चुनाव होंगे तो आप देश भर में 40 सीटों पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी इस 2019 के लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी के बड़े कैंडिडेट थे यानी कि अजय अग्रवाल ने कहा है कि मैंने पिछले 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर उनसे बिफोर्स मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम अपने राजनीतिक फायदे के लिए उछालने का आरोप लगाया था। इस मामले में मैंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी पत्र लिखा था। मलिक ने उन्हें फोन कर राजीव गांधी को ईमानदार बताया था। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार के नोटबंदी के तुगलकी फरमान ने देश की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी स्वतः योग्य थे, लेकिन वोट के लालच में उनको इस पद से नवाजा नहीं गया। तो दोस्तों ये बीजेपी के बड़े नेता अजय अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है और उनके किए जाने वाले दावे को भी फेल बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष चुनाव लड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ 40 सीटों पे सिमट जाएगी। दोस्तों इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें।